नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, 5 दिन का एक सेशन बुलाया गया, 4 ही दिन में ख़त्म कर दिया गया। सारा देश इसी ताक में था कि मोदी जी कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं, और सरप्राइज़ भी ऐसा किसी को भनक नहीं पड़ी कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या क्या किया 5 दिन में, इसका विश्लेषण करते हैं 4 दिन में। और ये बहुत समझने की बात है सारे हिंदुओं को, सनातनियों को, ये आपको समझने की बात है। पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री सर्वप्रथम पहला काम ये करता है कि वो भगवान गणेश जी की पूजा करता है, और उसके बाद लक्ष्मी जी को तिलक लगा देता है। आपने कभी भारत में 75 सालों में कभी ऐसा होता देखा है? ये तो घिन करते थे हिंदुओं से, ये जो कांग्रेस वाले गंदी फैमिली है, इनको तो सिर्फ मुसलमान दिखते थे, क्रिश्चियन दिखते थे, हिंदू ऐसे था जैसे कि इस देश में रहता ही नहीं है। लेकिन जो मोदी जी ने किया उसका किसी के पास ना तो जवाब है ना ही कोई तोड़ है। अब देखते हैं कि 5 दिनों में हुआ क्या। देखिए, आपको मालूम है कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया था इसने विपक्ष को पागल कर दिया था। मीडिया अपने सिर खोच बाल खोच खींच रहा था कि मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं। ये 5 दिन का सत्र बुला लिया, कोई बोलता था कि भारत नाम चेंज हो जाएगा, कोई बोलता था कि UCC आ सकता है, कोई बोलता था कि हो सकता है कि जो ये टेंपल्स एक्ट है ये हो जाएगा। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा था कि मोदी जी ने डमरू बजा दिया और सारे बंदर बनकर नाच रहे थे। पहला दिन क्या किया, सिर्फ पुराने संसद भवन में गए, वहाँ पर स्पीच की और उसको एक नया नाम दे दिया गया कि ये भविष्य में संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ से नई संसद के लिए विदा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सबको याद किया, सारे जो प्रधानमंत्री पहले रहे उनका गुणगान किया कि इनके टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे देश ने तरक्की करी। लेकिन कांग्रेस है कि मैं तो मानूं नहीं, कांग्रेस को सिर्फ एक ही नेता अच्छा लगता है, वो है नेहरू, और उसी के ऊपर वो अटके रहे। उन्हें दिखता ही नहीं है कि नरसिम्हा राव भी कभी आए थे, कभी ये मोहन सिंह भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, नो, सिर्फ नेहरू। तो ये इनका जो DNA है ये कभी चेंज हो नहीं सकता। एनीवेज, कांग्रेस तो कांग्रेस है, इनको कौन समझाए। सो पहले दिन के जो सत्र था उसके बाद शाम को आपको मालूम है एक कैबिनेट मीटिंग मोदी जी ने रखी, सारे कैबिनेट के मंत्री वहाँ बैठे हुए थे, और उसमें एक फैसला होता है कि गणेश चतुर्थी पर नए भवन में प्रवेश करके हम नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ आई, कांग्रेस ने बोला ये तो हमारा बिल है, ये तो हम लेके आने वाले थे। लेकिन आपको समझने की बात ये है कि क्या ये बिल कोई एक ही दिन में तैयार हुआ था? नहीं, ये एक दिन में तैयार होने वाला बिल नहीं था। आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा सीक्रेसी में ये बिल को रखा गया, किसी को भनक नहीं पड़ी, कोई अपने कल्पना में भी सोच नहीं सकता था कि ये बिल यहाँ पर लाया जाएगा। विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं को आरक्षण देना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने पहले प्रथम पूजा की, किसकी, गणेश जी की, जो प्रथम पूजा के अधिकारी हैं भगवान गणेश, उनका पूजन किया और फिर नारी शक्ति को वंदन करते हुए महालक्ष्मी को तिलक लगाया। ये बिल वैसा ही है। अब जिसने भी इसके लिए श्रेय लेना हो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन श्रेय लेने से पहले कांग्रेस को और अन्य दलों को खुद से पूछना होगा कि उनके प्रयास का क्या हुआ, क्योंकि भाजपा ने किसी भी प्रयास में अड़ंगना लगाने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस बोलती है ये हमारा बिल था। अरे भाई, आपका बिल था तो आप अपने टाइम पर ले आते ना, तब आपने इसको राज्यसभा में पास करवा लिया, लोकसभा में लेके ही नहीं गए, तो
तो पास कैसे होता, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी देख लीजिए, अभी जुम्मा नया नया वो मुसलमान बना है, वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाला बिल है। ओ भाई, तुमने पूरे कंट्री को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पंजाब वालों को देख लो, क्या हाल किया तुमने कंजरवाल, वहाँ पे तुमने खालिस्तान मूवमेंट शुरू करवा दी, क्योंकि तुम प्रधानमंत्री तो इस देश के बन नहीं सकते, क्योंकि तुम झूठे आदमी हो। तो तुम्हें लगता है कि ये खालिस्तान बन जाएगा, उसका प्रधानमंत्री तुम बन जाओगे, तुम्हें तो प्रधानमंत्री से मतलब है। तो दिल्ली का तुमने क्या गंद डाला हुआ है हमें मालूम है। अब तुम बोल रहे हो कि ये महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिल लेके आई है। JDU कह रही है कि ये तो चुनावी छल है और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का खलीफा जय राम रमेश वो कह रहा है कि ये बिल पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि ये 2029 से पहले लागू हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कांग्रेस लेकर आती तो ये इमीडिएटली लागू हो सकता था। सो अगर ऐसा होता, अगर तुम होती तो क्या होता, अगर मैं होता तो क्या होता, अगर हम होते तो क्या होता। भाई अगर तुम होते, जब तुम थे तब तुमने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तुमने? देश ही उखाड़ा है ना, यहाँ का सुख चैन ही उखाड़ा तुमने, और तो कुछ किया नहीं है। और अब तुम रोने धोने आ गए हो, इसलिए मोदी जी ने पहले बोल दिया था रोने धोने के लिए तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है, अभी आराम से सुख शांति से काम कर लो। और सपा ने अपना पुराना मुसलमान वोटों के लिए मुसलमानों का आरक्षण नहीं किया आपने इसमें, ऐसे बोलना शुरू कर दिए। 24 जो है उसने बोलना शुरू कर दिया कि इसमें मुसलमान जो लेडीज़ हैं उनका आरक्षण नहीं किया। ओ भाई, आप जब थे तो आप करवा लेते। ये सारी पार्टियां सिर्फ रुदाली गैंग बनके रो रही हैं मोदी जी के सामने, और मोदी जी ने भी अच्छा नाच नचवाया इनको। इनकी मोदी जी के सामने चलती तो है नहीं, मोदी जी ने जो काम करना था वो कर दिया। आप सोच के देखिए, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें जो इनके खिलाफ आई, राज्यसभा में एक भी सीट, एक भी मंत्री ने इस बिल के खिलाफ कभी कोई वोट नहीं दिया। सबसे बड़ा मजाक है ये ओवैसी के लिए कि जिसकी पार्टी के 2 मेंबर्स थे उन्होंने बिल का विरोध किया, जबकि 454 लोगों ने इसका समर्थन किया है। और ओवैसी कहता है कि मुसलमान जो महिलाएं हैं वो 7% है इस देश में, लेकिन संसद में सिर्फ 0.7% हैं, और इस आरक्षण का लाभ हिंदू जो महिलाएं हैं उसको ज़्यादा मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। और भाई ओवैसी, तेरी अपनी पार्टी है, उसमें कितनी महिलाएं हैं जो MPs हैं, तो अपनी पार्टी से शुरू कर ले। भी निखद आदमी, निखद तूने अपना बेटा, एक ही बेटा तेरा, वो भी निखद निकला, क्योंकि BGS है। तो आप सोच के देखो इस आदमी का दोगलापन। भी मोदी जी बिल लेकर आए तो वहाँ पर भी इसने रोना धोना शुरू कर दिया। भाई करना था अपनी पार्टी से शुरू करो ना पहले, लेकिन नहीं करेंगे, इनको सिर्फ विरोध करना है। और जनाब ओवैसी, आप पहले अपने गिरिबान में झांक कर देखिए कि आपकी कौम ने मुसलमान महिलाओं को अपने ही समाज में क्या स्थान दिया हुआ है। शाहबानो का मामला तो याद होगा तुम्हें, जिसे सुप्रीम कोर्ट से मिले न्याय के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर आ गई थी। 3 तलाक का मामला जब हुआ, जब हमने ख़त्म किया उसके भी खिलाफ, उसको ख़त्म करते समय भी तुम्हारी कौम उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। इतना ही नहीं, आप क्या मुसलमान महिलाओं को संसद में बैठने दोगे, जब आप उन्हें अपने साथ मस्जिद में तो बैठने की परमिशन नहीं देते हो, तो संसद में तुम कहाँ बैठने दोगे? तो ये जो दोगलापन है ये मुसलमान लेडीज समझ चुकी हैं, और इसलिए तुम्हारी दाल अब गलने वाली नहीं है, और इसलिए तुम्हारा रोना, ये जो रुदाली गैंग के साथ मिलकर तुमने रोना शुरू किया है, उसका रीज़न भी यही है। अब महिलाएं जो हैं उसका शक्तिकरण के बारे में एक बात कहनी और ज़रूरी है कि देश के आज़ाद होते ही महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया था, और उनके शक्तिकरण के लिए संवैधानिक तौर पर पहला कदम था, जबकि अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को आज़ाद होने के बाद भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स 18 अगस्त 1920 में मिले, यानी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 145 साल बाद उन्हें वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। लेकिन भारत में तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमें उनको वोटिंग राइट्स दे दिए। ब्रिटिश की महिलाओं को
ये अधिकार शायद 1928 में और फ्रांस में महिलाओं को अक्टूबर 1946 में ये राइट मिला था वोटिंग का, और भारत ने पहले ही दिन में वोटिंग राइट्स टू ऑल वीमेन। और इतना ही नहीं है दोस्तों, अमेरिका में आज़ादी मिलने के 250 साल बाद भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, जबकि हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों महिलाएं रह भी चुकी हैं, और अभी तो जो हमारी राष्ट्रपति है वो भी फीमेल है। और दैट शोज कि हमारी जो सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी, वो पहले भी फॉरवर्ड थी, आज भी फॉरवर्ड है। ये पहले भी घटिया सोच वाले लोग थे वेस्टर्न वाले, और हमें पाठ सिखाते हैं कि भाई इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो आपकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट कितनी है, हमें पाठ सिखा रहे हो आप हिंदुओं को। दोस्तों ये जो 5 दिनों में मोदी जी ने किया है, शुरुआत करी गणेश जी से और अंत किया माँ महालक्ष्मी के वंदना से और उन्हें तिलक लगाकर, इसको बोलते हैं नया भारत। जो सारे बोल रहे थे कि भारत बनने वाला है, भारत बनने की शुरुआत हो गई है इन 5 दिनों के सत्र से। आपने जो नया पार्लियामेंट है उसकी आपने शक्ल देखी वहाँ पर, जैसे सारा जो फोटोग्राफ्स हैं आप देखते हो, आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है, लगता ही नहीं है कि भारत के पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। और इसलिए मुझे गर्व होता देख कर कि यार भारत बन गया है, भारत की नींव रखी गई है और हम सब उसके साक्षी हैं इस स्पेशल मोमेंट्स के। इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के गर्व करता हूँ। दुश्मन कंट्री है जहाँ बैठा हूँ मैं, ऊपर वाले ने मुझे यहाँ भेजा है, आई डोंट नो मेरा क्या कर्मा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ बैठ कर भी खुशी होती है कि भारत अब वहाँ पहुँच रहा है जिसकी हम कल्पना करते थे कभी भारत ऐसा होगा, पहुँच गए हम वहाँ पर। इसको एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, और भारत माता की जय बोलते रहें।